हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। दिस इज इंग्लिश ग्रामर बुक ऑफ क्लास 7th। टुडे आई विल टीच यू सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी फर्स्ट सिंपल सेंटेंस। ए सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब रहता है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इसको एग्जांपल जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी सब्जेक्ट है, इज फाइनाइट वर्ब है और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। मैंने अभी फाइनाइट वर्ब के बारे में बात की, तो थोड़ा सा फाइनाइट वर्ब के बारे में बता दूं। वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक प्रयुक्त होता है फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगा है, प्लेज। अगर ही की जगह हम लोग दे राइट करें यहाँ पे दे, तब यहाँ प्लेज की जगह क्या हो जाएगा, प्ले, एस हट जाएगा। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हो वो फाइनाइट वर्ब होता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस। ए कंपाउंड सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट आर कोऑर्डिनेटिंग क्लाज। दिस कोऑर्डिनेटेड आर इंडिपेंडेंट क्लाज आर ज्वाइंट बाई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। वह सेंटेंस जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाज से मिलकर बना होता है कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और ये क्लाज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे ही इज प्लेइंग, playing but she is dancing, she is dancing, he is playing, वह खेल रहा है, but लेकिन she is dancing, वह नाच रही है। तो he is playing आपका principal clause हो गया, she is dancing ये भी principal clause है। अब इसको किससे add किया है, but से, ये आपका क्या है, coordinating conjunction। तो ऐसे sentence जो जिसमें दो प्रिंसिपल क्लाज हो और उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ऐड किया हो वो क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग और समझ में आएगा सब। ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट। He is poor, ये भी एक principal clause है, और he is honest, ये भी principal clause है। इसको किससे add किया गया है, एड से, ये भी, ये क्या है, coordinating conjunction। तो इसमें दो principal clause है और coordinating conjunction से add किया गया है, तो ऐसे sentence क्या होते हैं, compound sentence। Next is complex sentence। A sentence which contain one main or principal clause and आर मोर डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लाज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लाज था एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लाज से मिलकर बना हो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, और ऐसे सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, इट इज विल नो फैक्ट डैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट इज विल नो फैक्ट, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लाज है, और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये आपका सबऑर्डिनेटिव क्लाज है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सबऑर्डिनेट क्लाज एक ही हो, एक से ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाज हो सकते हैं।
क्विक रिवाइज करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और फाइनाइट वर्ब हो, वो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाज हो और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हो, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। और कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लाज तथा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाज हो और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। स्टूडेंट्स हियर आर गिवन एग्जांपल रिलेटेड टू सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। स्टूडेंट्स फाइंड आउट विच टाइप ऑफ सेंटेंस दीज आर, इट इज योर SW। थैंक यू।